अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। अगर कल आपने गूगल ओपन किया होगा तो आपको जो है वो गूगल का होम पेज थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, और उसके अंदर बेसिकली जो है वो आपको एक पिक्चर नज़र आई होगी जो कि बेसिकली इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये कौन है? इनका नाम है जी मारिया टेलकिस, और बाय प्रोफेशन शी वॉज अ डॉक्टर। शी इज़ डाइड बट उनका जो काम है स्टिल लाइव है। और अगर हम बात करें इनकी डेट ऑफ बर्थ की तो 12 दिसंबर 1900 को ये बुदापेस्ट के अंदर जो है वो पैदा हुई। तकरीबन उससे जो है वो कुछ अरसा बाद ही ये US मूव कर गई और वहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर ली। उसके बाद जो है वो इन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बेसिकली एज अ प्रॉपर साइंटिस्ट यू कैन से जो है वो वर्किंग स्टार्ट की। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बेसिकली जो है वो इनकी हेल्प ली गई टू मेक अ सिस्टम जिसके अंदर बेसिकली जो सी वाटर होता है उसको प्योरीफाई करके नॉर्मल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर बेसिकली इनकी हेल्प जो है वो ली गई। ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस इनको जो है वो प्रोजेक्ट लीव करना पड़ा, और देन ऑनवर्ड इन्होंने जो है वो एक आर्किटेक्ट एलेनर रेमंड के साथ मिलके जो है वो एक फर्स्ट सोलर हीटेड हाउस क्रिएट किया। अब ये जो सोलर हाउस था बेसिकली क्या था, ये इसके अंदर बेसिकली दो ग्लासेस थे और जिनके अंदर बेसिकली एक ब्लैक बॉडी को जो है वो ट्रैप किया गया। अब ये ब्लैक बॉडी जैसे ही कोई लाइट आती थी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती थी और इनसाइड जो गिलास का टेम्परेचर होता था उसको बढ़ा देती थी। तो बेसिकली इस इफेक्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है वो थर्मल स्टेबलाइजर्स और जो हीटर्स होते हैं उनकी इन्वेंशन की। अब उसके बाद इनकी इस इन्वेंशन की वजह से इन्हें जो है वो सन क्वीन भी कहा जाता है, और इसी जो प्रोसेस है और इसी आरा को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने जो है वो बेसिकली फिर सोलर सिस्टम डेवलप किए, जो कि आज हम अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो सोलर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं की इन्वेंशन है। सो नो डाउट दैट वॉज अ वेरी ग्रेट इन्वेंशन। जिस भी अगर हम बात करें प्रोस्पेक्ट से या इधर इकॉनमी के लिहाज से बात करें, क्योंकि सोलर एनर्जी तो अगर हम कॉस्ट देखें तो उसकी फ्री है। अगर हम उसको जो है वो किसी यूजेबल एनर्जी में, लाइक के सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक फ्री रिसोर्स से आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो है वो इकॉनमी के अंदर एक ग्रेट वैल्यू जो है वो इम्पेक्ट करती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।